स्वागत है आपका थीटा बैच के इस क्लास में। बहुत ही मजेदार तरीका से इस एक्सरसाइज को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत है, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रहेगा। बताइए, ये क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन इससे पहले आपको टोटल फॉर्मूला दिमाग पे होना चाहिए। कैसे? तो आप 6 नाम लाइन से आप याद रखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला रटना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, टेंशन मत लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट खोलिए ज्ञापन एकेडमी का, और उसमें फॉर्मूला का एक से एक जबरदस्त ट्रिक बनाया गया है। आप जाकर के ट्रिक देखिए, फॉर्मूला का कहानी देखिए, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको तो कहानी के जरिए ही याद हो सकता है। यहां पहले हम फॉर्मूला नोट कर देते हैं कैसे होगा। पहले क्या होता है याद रखिएगा, पहले होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। लाइन से याद रखिएगा, तो कॉसेक यहां से लिखिए कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद से सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। तीन इधर लिख दिए, तीन इधर, बीच में खाली मल्टीप्लाई अगर लगा दीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, यहां से 10-12 फॉर्मूला बन गया, आपको दिख रहा है 3। देखिए, अगर यहां से पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जिसका जिसका हम वैल्यू पूछेंगे उसको वहीं पर रख दीजिए, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/ कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाता है। अगर कॉसेक पूछेंगे तो साइन को भेजिएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/ साइन। वैसे ही ये तीन तीन फॉर्मूला एक से निकल जाएगा, आपने ऐसा तो काम कर लिया। फिर ये ग्रुप एक का फॉर्मूला हो, फिर तीन ग्रुप, एक और ग्रुप बनाते हैं हम, एक होता है साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा। देखिए, ये मल्टीप्लाई वाला ग्रुप है और ये स्क्वायर ग्रुप है, इसमें दोनों में स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 1। उसके बाद देखिए, ट्रिक बताए थे, मामला को सेट कर दो, क्या कर दो सेट कर दो, यहां पे मामला को जब सेट किया था, से हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, और टी से हो जाएगा टेन थीटा, लेकिन यहां पे बीच में प्लस है तो यहां माइनस रहेगा, आई स्क्वायर हो तो स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ ये कौन सा ग्रुप है, स्क्वायर वाला है, तो सब में स्क्वायर रहेगा। ये गुणा वाला ग्रुप है यानी मल्टीप्लाई वाला है, ये स्क्वायर वाला है। उसके बाद तो ये सेक है, और किसी नाम में सेक आता है तो कॉसेक में आता है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक में आता है, और टी किसी में आता है तो कॉट में आता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये एक दूसरे एक जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी सेक, इसमें भी सेक, तो बाबू ये सेम दोनों में माइनस रहेगा, इसमें कोई मैचिंग ये दोनों ग्रुप से नहीं कर रहा है, इसलिए ये अलग कुछ दिख भी रहा है। साइन और कॉस प्लस में रहेगा 1। ये फॉर्मूला आपको कई बार देखने को मिलेगा, यहां से ध्यान रखिएगा। इससे भी फॉर्मूला अगर बनाइएगा आप तो बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। ये दूसरा ग्रुप मान लीजिए, ये भी 1 का ग्रुप है, लेकिन ये स्क्वायर ग्रुप है, ये मल्टीप्लाई ग्रुप है। अब उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो दिया है, साइन ए दिया है, सेक ए दिया है, टेन ए दिया है। ठीक है, ये तीनों को किस में बदल देना है, कॉट में बदल देना है, यानी साइन को भी, साइन ए को भी किस में बदलना है, कॉट ए में, तीनों को। उसके बाद से सेक ए को भी किस में, इसे में बदलना है, और टेन को भी किस में बदलना है, कॉट ए में, तीनों को बदलना है कॉट में, यानी कि तीनों को बनाना है, फॉर्मूला लगाना है, कोशिश करना है कि क्या आ जाए, कॉट आ जाए। तो हम लोग को यहाँ रिलेशन जोड़ना है, ठीक है, कोशिश ये करना है, ये दोनों में रिश्ता जोड़ना है, क्या जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है। तो जब रिश्ता जोड़ना है तो बीच में कोई अगुआ का काम करेगा ही, ठीक है, तो आखिरकार कोई ऐसा अगुआ का नाम इसमें ढूंढिए जो साइन के साथ भी हो, यानी साइन अगुआ का काम क्या करता है, वो लड़का वाले पक्ष को भी जानता है और लड़की वाले पक्ष को भी जानता है। उसी तरह कोई ऐसा अगुआ ढूंढिए जो एक बार साइन को भी जानता हो, यानी इसके साथ भी हो, और एक बार कॉट को भी हो। तो यहाँ देखिए, ये कौशिक एक ऐसा नाम है जो देखिए साइन के साथ भी है और कॉसेक कॉट के साथ भी है, और हमको तो साइन और कॉस में रिलेशन जोड़ना है ना, साइन को बदलना है कॉस में। तो एक काम करते हैं, पहले साइन को कॉसेक में बदल देते हैं, ठीक है, और फिर कॉसेक को किस में बदल देंगे, कॉट में बदल देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए बराबर, यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो ये बट्टा में आ जाएगा, 1/ कॉसेक ए, थीटा के जगह ए है तो ए लिखिए। अब कॉसेक तो बदल गया, अब कॉसेक को बदल दीजिए कॉट में, कॉसेक किस में बदल सकता है, कॉट में बदल सकता है, किस में बदल सकता है, कॉट में। कैसे कॉसेक थीटा निकलेगा, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है वो भी जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका होता है वन बटा कॉसेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया आपका आंसर। साइन था हमने किस में ला दिया, कॉट के रूप में यानी टर्म में दिखा देना है, बस इसमें कॉट दिखना चाहिए, वन आए उससे मतलब नहीं है, जो पूछ रहा है उस रूप में दिख जाना चाहिए। अब देखिए सेक को भी कॉट में बदलिए, उसके लिए भी अगुआ ढूंढना पड़ेगा, तो एक काम ना करते हैं हम पहले सेक इसमें है ना, सेक इसमें भी है, आप एक चीज रट लीजिए, एक बार इसमें देखेंगे तो एक बार इसमें देखना पड़ेगा, अगर एक बार इसमें देख रहे हैं तो एक बार इसमें देखना पड़ेगा, इसमें देखिए सेक थीटा, सेक को बदल दीजिए टेन में, एक बार टेन किसके साथ है, कॉट के साथ, तो बताइए सेक और कॉट आ सकता है कि नहीं, मान लीजिए कि सेक का दोस्ती तो टेन के साथ है तभी तो एक ग्रुप में है, तो सेक का दोस्ती टेन के साथ, टेन का दोस्ती किसके साथ है, कॉट के साथ है, तो दोस्त का दोस्त अपना दोस्त ही ना होगा, ठीक है, तो पहले सेक को बदलिए टेन में, तो सेक थीटा बराबर होता है वन, यहां पर देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट में होता है, ये बदल गया सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा, अब ये टेन को कॉट में बदलना है, तो देखिए टेन और कॉट साथ में, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर पूछेंगे तो जिसका वैल्यू पूछा जाता है यहीं पे रोक दो, इसको ढकेल दो उधर, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है वन बटा कॉट थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, बताइए सेक से चले थे कॉट इसमें आया कि नहीं, बस दिख जाना चाहिए कॉट, जरूरी नहीं है कि इसको सॉल्व कीजिए, कॉट दिख गया तो यही ये बोला है कि इसको किस में बदल दीजिए, कॉट में, अब क्या बच गया, टेन बच गया, अरे ये तो बहुत आसान है, टेन को किस में बदलना है, कॉट में, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो दोनों साथे में है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में या भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा वन बट्टा कॉट ए, सब जगह थीटा लिखा गया है, आप इसको ए कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, ए कर लीजिएगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत आसान क्वेश्चन है और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन कर रहा है, ये तो सेम क्वेश्चन है वन नंबर जैसा, लेकिन थोड़ा सा कैसे अलग है, एंगल ए यानी कि यहाँ पे जो भी होगा हम थीटा लिखे थे ना, सब जगह क्या है ए है, यानी थीटा का स्थान बदला है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, वहां थीटा मानिए, ए मानिए, बी मानिए, जो एंगल दिया है मानिए, आप कोण को कुछ भी मान सकते हैं, एक के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि अदर जितना भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है यानी जितना भी नाम है, जैसे नाम को है छह नाम है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जितना भी है इस सब को किस में किस फॉर्म में बदल देना है, सेक में बदल देना, सबको फॉर्मूला जो मन करे वो लगाइए, और क्या आना चाहिए लास्ट में, सेक दिख जाना चाहिए, आपको बताया भी थे फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर वाला वैसे ही है, पहले नाम क्या आता है, साइन आता है, छह का छह है तो साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में, टेन को भी, कौसे को भी, सेक सेक में कैसे बदलेगा, वो तो सेक में है ही, ठीक है, और कॉट को भी सेक में, तो साइन थीटा को यानी साइन ए को बदलना है किस में, सेक में, तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइन को सेक में देखिए कैसे हम लोग बदले थे, और यहां समझ भी लीजिए, साइन को जब सेक में बदलना है तो क्या उपाय है, साइन को बदल दीजिए पहले, यहां देखिए दो ठो ग्रुप है ना, और इन दोनों ग्रुप में पहले साइन को बदल दीजिए कॉस में, यानी इस फॉर्मूला से एक, आ कॉस किसके साथ है, सेक के साथ, तो सेक हो गया कि नहीं, एगो दो फॉर्मूला से ये बदल सकता है, साइन किस में चेंज हो सकता है, कॉस में, ये चेंज क्यों होगा, क्योंकि दोनों साथ में है, दोस्त है, तो ये बदल सकता है, आ कॉस किसके साथ है, सेक के साथ, तो ये चाहेगा तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, ये इसे सेटिंग करवा लेगा ना अपना, ठीक है, तो साइन थीटा को पहले कॉस में बदलेगा तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ऑलरेडी हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला इतना कैसे होता है, फॉर्मूला के ट्रिक में जा करके प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, एक बार आप प्लेलिस्ट खोल करके देखेंगे, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं बैठा आप जो बोले सो, ठीक है, यहाँ देखिए ए है तो यहाँ ए डाल दीजिए, बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो आ गया, ठीक है, साइन का ये फॉर्मूला था, अब कॉस को बदल दीजिए सेक में, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जब इसका पूछेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, बेचारा ये अकेले हो जाएगा, जिसका वैल्यू बनाना हो जिंदगी में अकेले चलना सीख लो, यहाँ देखो ये बट्टा में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है वन बट्टा सेक थीटा, यानी थीटा की जगह क्या है ए है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा, हो गया आंसर, बताइए साइन में था हमने किसे बदल दिया सेक में, ये क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बस सेक के रूप में दिख जाना चाहिए, ठीक है, दूसरा देखिए अब कॉस को बदलना है सेक में, कॉस ए को सेक में, ये तो सबसे आसान है ना, कॉस को सेक में बदल दीजिए, अरे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बट्टा में भेज दीजिए, वन बट्टा
सेक थीटा, तो कोई पूछेगा ये किसका वैल्यू है, तो आप क्या बोलिएगा, कॉस का वैल्यू है, या फिर ये कॉस का वैल्यू क्या होता है, वन बाई सेक होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तीन नंबर, टेन को बदलना है सेक में, तो यहाँ देखिए तो टेन और सेक ही तो दोनों साथ में आराम से बदल जाएगा, कैसे, तो ध्यान से समझिए, इस फॉर्मूला को तोड़ते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन है, टेन थीटा का वैल्यू निकालो, ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको सिर्फ टेन थीटा निकालना है ना, तो टेन को अकेले कीजिए, ये वन को भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वन, अभी क्या आया, अकेले बच गया टेन स्क्वायर ए, लेकिन आपको तो टेन चाहिए ना, तो स्क्वायर भी हटाइए, स्क्वायर है जब वो बराबर जंप करता है तो रूट में बदल जाता है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इधर अकेले क्या बच गया, टेन ए, तो टेन ए के जगह पर ये लिख सकते हैं, टेन ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी एक फॉर्मूला है एक तरह से, तो आप समझ रहे होंगे टेन भी किस में बदल गया, आपका सेक में बदल गया, सेक के रूप में दिखने लगा, यहाँ देखिए समझते चलिए, ध्यान से ध्यान इधर दीजिए, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो ध्यान भटक जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए सेक तो साइन भी बदल गया, कॉस भी, टेन भी, अब क्या बच गया, कॉसेक, कॉसेक ए को बदलना है सेक में, मामला यही तो फंसता है, देखिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशन कैसे जोड़िएगा, देखिए पहले कॉसेक कॉट में बदलेगा, ठीक, कॉट बदलेगा टेन में, और टेन किसके साथ है, सेक के साथ, अगर आपको कॉसेक से किसके पास पहुंचना है, सेक के पास पहुंचना है, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच, पहले कॉसेक से रास्ता बनाइए कॉट के पास, अब कॉट का रास्ता किसके पास जाने का है, टेन, क्योंकि दोनों साथ में है, ये रास्ता दिखा देगा, ठीक है, और टेन किसके साथ है, सेक के साथ, यानी कि ये जाएगा कॉट के पास, कॉट इसको पहुंचा देगा टेन के पास, और जहां टेन यहां भी है, और टेन पहुंचा देगा सेक के पास, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है, तो सबसे पहले कॉसेक बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉट को बदलिए टेन में, वन प्लस वन बट्टा टेन ए, ठीक है, कॉट ए बराबर यहां से देख लीजिए, कॉट निकालना है तो ये बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहीं पे देख लीजिए, यहां से आपको बताए थे ये क्या है, यहां पे देखिए ये रूट कैसे आया था, इधर स्क्वायर था, जब उधर स्क्वायर था, इधर उधर भेजे तब ना ये जाके ये रूट हो गया, तब जा करके हुआ, यानी टेन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको देखना होगा तो ये फॉर्मूला हो सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तब ये इधर जाता है तो किस में हो जाता है, रूट में, वही काम कीजिए, वन प्लस वन बट्टा टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट नहीं रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में वन, ये फॉर्मूला होता है, अब किसका, जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो बताइए सेक भी किस में बदल गया आपका, सॉरी कॉसेक भी सेक में बदल गया, अब कह रहा है इसके बाद क्या होता है, सेक को सेक में बदलिए, सेक बाबू कभी भी सेक में नहीं बदला, वो तो खुदे सेक है, ठीक है, लास्ट एक बच रहा है कॉट, क्या बच रहा है, कॉट ए, कॉट ए को किस में बदलना है, सेक में बदलना है, देखिए त्रिकोणमिति के जितने भी नाम है सबको सेक में बदल देना है, तो उपाय है ना, टेन कॉट को बदल दीजिए टेन में, और टेन किसके साथ बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सिंपल, तो देखिए कॉट ए बराबर होता है वन बट्टा टेन ए, और वन बट्टा टेन ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए टेन ए का वैल्यू यहाँ है भी, सेक स्क्वायर ए माइनस में वन, आपको बदलना कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला के जरिए कॉट से सेक के पास पहुँच जाना है, कॉसेक से सेक के पास पहुँच जाना है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, नाता रिश्ता जोड़ते जोड़ते पहुँचेंगे ना, लेकिन पहुँच जाएंगे, हमको कॉसेक के पास जाना था तो हम रास्ता पूछे पहले कॉट से, इसका फॉर्मूला कॉट में था, यहाँ पे देखिए ये दोनों एक बार साथ में था, ठीक है, और फिर कॉट से गए कहाँ पे, टेन के पास, और टेन से कहाँ गए, टेन के पास जब हम पहुँच गए तो टेन किसके साथ है, सेक के साथ, इससे रिलेशन हमने जोड़ दिया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस यही आपका क्वेश्चन कह रहा था, और बिना देर किए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो अब यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान तरीका से बना रहे हैं, बस इसका वैल्यू निकाल देना है, एक नंबर क्वेश्चन ये है, दो नंबर ये बाद में देखेंगे, ठीक है, यहाँ समझिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, ये क्या बोला है भाई, 63 का मान तो होता ही नहीं है, लेकिन आपको बताए थे एक चीज कैसे बदला जाता है, साइन को बदल दीजिए कॉस में, या कॉस को बदल दीजिए साइन में, जिसको जिसमें बदलना है बदलिए, इसको छोड़ते हैं वैसे ही, बदलने के लिए इसको भी बदल सकते हैं, ठीक है, इसको बदल दीजिए कॉस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर
90 माइनस 27, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बताए थे, और बटा इसको देखिए कौसे को बदलिए, हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक है। एक को छोड़ दिया, आपको बताया था किसी एक को बदलना है, आप इसको भी बदल सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, जो मन करे वो कीजिए, खूबसूरत दिखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 73 डिग्री इसको छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख दीजिए, 63 को भी ऐसे ही लिख दीजिए कॉस स्क्वायर, 90 में से 27 जाएगा, 90 में से 27 जाएगा तो हो जाएगा 63 डिग्री, ठीक है। डिग्री का सिंबल लगा लीजिए, यहां पे लिखिए साइन स्क्वायर, और यहां 90 में से 17 जाएगा तो 73 डिग्री और प्लस, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा आपका, एक उतार दीजिए। यहां एक चीज देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह यहां क्या है 63, यहां भी थीटा का जगह क्या है 63, तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम है, यहां ये प्लस यानी साइन भी स्क्वायर में या कॉस भी स्क्वायर में, तो इधर देखिएगा साइन भी स्क्वायर में और कॉस भी स्क्वायर में, थीटा सेम हो तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहां भी तो वही है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और दोनों का थीटा 73 डिग्री है तो दोनों सेम है तो क्या होगा 1, और 1 बटा 1 क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका आंसर कितना आ गया 1, फॉर्मूला पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, दोनों का वैल्यू 1 आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक को बदलिए एक को छोड़िए, बस यही काम करना है आपको, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन उतारते हैं, साइन 25 कॉस 65 अब प्लस कॉस 25 स्क्वायर नहीं है और साइन 65, एक को बदलिए एक को छोड़िए, साइन यहां पे है, साइन को बदलिए तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25, इसको बदल दिए, ठीक है। आपको ट्रिक भी बताए हैं हम, प्लेलिस्ट खोल करके देख लीजिएगा, और ये क्या है 65, यहाँ प्लस इसको बदलिए, कॉस किसमें बदलिएगा साइन साइन 90 माइनस 25, और इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जब कॉस यहाँ पे है और 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 65, ठीक है, कितना हो जाएगा 65, और एक ऑलरेडी कहाँ है कॉस 65 दिया है, प्लस साइन 90 में से 25 जाएगा 65, और एक ऑलरेडी साइन 65 दिया है, जब दो ठो एक ही जैसा दिखता है तो स्क्वायर में लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर 65 और हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। यहाँ देखिए तो जब एक साइन स्क्वायर में हो एक कॉस स्क्वायर में हो और दोनों का थीटा सेम हो तो वैल्यू क्या होता है 1, इसका भी आंसर कितना 1, यानी अब ये उल्टा लिखा है ये मायने नहीं रखता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा रहे बस प्लस में दिख जाए उसका वैल्यू 1, तो इसका भी आंसर हो गया आपका 1। तो बिना देर किए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा कितना मजेदार है, कह रहा है कि सही विकल्पों को चुनिए, यानी कि इसमें क्वेश्चन एक दे दिया है, चार ऑप्शन दे दिया है, आपको सही चुन लेना है। यहाँ गौर से क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है तो दोनों में 9 दिख रहा है, तो 9 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या दिखेगा सेक बचेगा सेक ए, यहाँ से भी 9 निकल गया तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, 9 का 9 लिखिए। ये बताइए तो सेक मामला को सेट कर दो, फॉर्मूला याद है जिसमें एक सेक होगा और एक का होगा 10 होगा, लेकिन ये दोनों किस में होगा स्क्वायर में होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो एक फॉर्मूला हो गया ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और 9 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो ये भी आपको बहुत ही आसान होगा। फिर हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। अब यहाँ 4 का 2 और 3 देखिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन, आसान तो ये भी है, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ लिखा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ कॉट और कॉसेक लिखा है, कुछ नहीं करना है, देखिए 1 का 1 लिख दीजिएगा आप, एक फॉर्मूला होता है 10 का साइन बटा कॉस, क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब प्लस ये होता है 1 बटा कॉस थीटा, कुछ ऐसे सेट करता है कि ये नीचे एक ही जैसा आ गया ब्रैकेट, यहाँ देखिए 1 उतार दीजिए प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। एक चीज याद रखिए 10 का होता है साइन बाई कॉस, इसी का उल्टा कॉट का होता है, यानी इसमें भी टी तो एक दूसरे का उल्टा होता है, और माइनस ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर यही होता है, फॉर्मूला में हम आपको बता चुके हैं, बट्टा एक मन के बट्टा का जोड़ घटाओ कीजिए तो जब ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस में
वन, ये एक ही जैसा है, डिवाइड करोगे जब तो ये कितना आएगा, वन आएगा, और वन में साइन से गुणा तो वही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वन में वन, ठीक है। कुछ खास नहीं है, आपको बट्टा का जोड़ इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, उसको भी उसका भी सोल्यूशन है यार, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में वन। अब ये दोनों को गौर से देखिए, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों एक जैसा है, और बीच में ये वन और ये वन दोनों एक जैसा है। तो एक फॉर्मूला होता है, जब a प्लस बी और a माइनस बी हो, यानी कि ये वाला हिस्सा एक जैसा हो और ये वाला हो, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला वाला का स्क्वायर और फिर दूसरा वाला का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वाला का स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों एक जैसा है तो क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 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 माइनस क्या हो गया माइनस, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बट्टा में कॉस में साइन से गुणा कीजिएगा तो गुणा नहीं होता है, कॉस इंटू साइन, यही तो क्वालिटी है मल्टीप्लाई का, कि गुणा नहीं होगा ना तो पास में रख लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये दो नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ, इसलिए इधर हम देखते हैं। ए प्लस बी के द होल स्क्वायर क्या होगा, होता है ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए उसी फॉर्म में लिखा है, ए और बी इसको मान लीजिए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ए क्या है कॉस है और बी क्या है साइन है, और यहां माइनस है तो माइनस, और ये क्या लिख दिए वन लिख दिए, ठीक है। अब बट्टा यहां लिख देते हैं आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, अब प्लस यहां पे टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इंटू है माइनस में वन, अब बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वन से वन खत्म हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है, और ये बच जाएगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों एक जैसा है, खत्म हो गया, तो क्या बचा सिर्फ टू बचा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है जो कि टू लिखा है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग डायरेक्ट थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान वो भी है, क्वेश्चन भारी नहीं है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो फॉर्मूला में होगा, और फॉर्मूला का अजीबो गरीब ट्रिक आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के देखिए। यहां देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है, इसमें से आंसर चुनना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है वन बट्टा कॉस थीटा प्लस टेन बराबर तो पता हो गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, लेकिन एक मिनट, यहाँ ए है थीटा के जगह, तो हम लोग को ए ही भरना चाहिए, ठीक है, आदत हो जाता है थीटा भरने का, और ये है वन माइनस साइन ए, इसका अभी कुछ मत भरो, इसको सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस ए, एक ही जैसा चीज है तो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन ए, ठीक है। देखिए, जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या छिपा रहता है, वन छिपा रहता है, और याद रखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो यहां देखिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि यहां भी वही फॉर्मूला, अगर ये दोनों एकदम सेम टू सेम है, लेकिन अंतर क्या है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो फॉर्मूला यही ना होता है, अगर ये दोनों सेम टू सेम हो और एक जगह प्लस माइनस हो, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहला वाला का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे क्या है गुणा करोगे तो कॉस ए हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ए होता है माइनस, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में यहाँ हो गया कॉस ए, यहाँ कॉस कितना बार है दो बार, यहाँ एक बार, तो एक बार से एक बार खत्म हो गया, तो यहाँ एक ठो कॉस बच जाएगा, कॉस ए आपका आंसर हो जाएगा, कॉस ए आप लिख लीजिएगा कॉस है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, कैसे किया, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और दो ठो यहां पे कॉस है, यहां पे एक ठो है, तो एक ठो से एक ठो काट दो स्क्वायर, तो एक ठो बच गया आपका, डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग बिना देर किए ये फोर नंबर का लास्ट फोर नंबर ही देखते हैं,
अब यहाँ फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर का फोर नंबर, एक चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, देखिए क्या बैठाना है आपको दिमाग में, बैठाना ये है कि जैसे क्वेश्चन वन प्लस टेन स्क्वायर दिया है तो फिर मामला पहुंचेगा कि किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो आप ये सोचिए कि टेन और वन माने वन किस किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो वन आपको बताया था तीन बार मल्टीप्लाई वाला था और तीन बार प्लस और माइनस वाला, यानी स्क्वायर ग्रुप का तीन बार था और ग्रुप आपको बता चुके हैं और मल्टीप्लाई ग्रुप का तीन ग्रुप था, तो आप बताइए कि ये स्क्वायर ग्रुप का है कि नहीं, तो जब स्क्वायर ग्रुप का है क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो टेन के साथ क्या था, ट्रिक याद है, मामला को सेट कर दो, ठीक है, तो सेट कीजिएगा तो टेन है, तो टेन के साथ क्या है, सेक है, तो वही तो यहाँ पे है, टेन से यहाँ पे था फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए, या टी से हो गया था टेन स्क्वायर ए, माइनस में वन था यहाँ पे था, ऐसे था, आप बताइए कि ये दोनों यहाँ पे दिया है, वन और टेन दिया है, क्या नहीं दिया है, सेक ना नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, यहाँ भी देखिए कॉट है ना तो कॉसेक नहीं है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक स्क्वायर ए नहीं है, यही तो यहाँ पे कमी दिख रहा है ना, और उसके बाद से एक और बात आप बताइए कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक थीटा बराबर होता है वन बट्टा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बट्टा कॉसेक बराबर होता है वन बट्टा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर नीचे ऊपर, तो ऊपर और नीचे ऊपर चला गया, अब दोनों बीच वाला नीचे, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में वन, ये गुणा कीजिएगा तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो होता है टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसमें से ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको बता दें, ये तो चार क्वेश्चन मल्टीपल च्वाइस में पूछता है, जिसमें ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, जो आपके लिए वीवीआई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा इसको आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जो इसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन है, उस पांच नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दस ठो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो दसों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, हर एक बार मतलब जितना बार एग्जाम हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन पांच नंबर में जरूर पूछता है, ठीक है, या फिर इसका एग्जांपल पूछता है, तो वो दसों क्वेश्चन को दिमाग में ऐसे फिट कर लेना है कि हर एक स्टेप आपके दिमाग में छप जाए, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में उस दसों क्वेश्चन को देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।